मैराथन रनर ओपी जयशाह ने बड़ा खुलासा किया है कि वो रियो ओलंपिक में पानी नहीं मिलने के कारण फिनिश लाइन पर ही बेहोश हो गई थी। जयशाह ने आरोप लगाया है कि जब वो मैराथन में हिस्सा ले रही थी तब भारत की ओर से कोई भी अधिकारी उन्हें पानी देने के लिए नहीं था, जबकि मैराथन का नियम है कि हाइड्रेटिंग से बचने के लिए ओलंपिक अधिकारी हर 2.5 किलोमीटर पर पानी के लिए स्टॉल की व्यवस्था करते हैं। जयशाह के आरोपों पर AFI ने सफाई देते हुए आरोपों से इनकार किया है। AFI ने कहा है कि जयशाह ने खुद ही अपने लिए खास ड्रिंक लेने से मना किया था। AFI के सचिव CK वाल्सन भी रियो में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह आयोजकों की जिम्मेदारी होती है कि वे पानी और एनर्जी ड्रिंक मुहैया कराएं। इसके लिए पूरे कोर्स में पानी और एनर्जी ड्रिंक के कई स्टेशन होते हैं। हम भी अपने एथलीटों को पानी और एनर्जी ड्रिंक दे सकते थे, लेकिन किसी ने भी और ना ही उनके कोचों ने हमें इसके बारे में सूचित किया कि उन्हें अलग से पानी और एनर्जी ड्रिंक्स की ज़रूरत है। जब इस घटना के बारे में खेल मंत्री विजय गोयल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि हर बार कोई छोटी घटना होती है तो हम इसका संज्ञान लेते हैं। यह AFI का काम था और यह महासंघ की जिम्मेदारी है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। वहीं अब AFI के जवाब पर जयशाह ने कहा है कि इस मामले में जांच की जानी चाहिए। साथ ही जयशाह ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की, तो अब ऐसा झूठ क्यों बोलेंगी। व्यवस्था की गड़बड़ी की वजह से एक एथलीट का सपना टूट जाना वाकई एक शर्मनाक घटना है। अगर वक्त रहते जयशाह को पानी मिल जाता तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। देखते रहिए DB Live।